तो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल डीबी एक्सपेरिमेंट में। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा जो जो मोम होता है, मोम में जो 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 पिघला हुआ मोम होता है, मोम में पानी को नहीं मिक्स किया जाता है, नहीं तो बहुत बड़ा धमाका होता है। आज इसी चीज़ को रियल लाइफ में चेक करके देखने वाले हैं, क्या सचमुच उस तरह होता है या वो सब मिथ ही होता है। चलिए चेक कर देखते हैं। तो गाइस, जिस मोम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो इस मोमबत्ती के लिए बोल रहे थे। जो मोमबत्ती है मोम का ही बना होता है, इसी को पिघला कर चेक करेंगे। चलिए इसे पिघलाते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे एक जो है जो कढ़ाई है, कढ़ाई में हम लोग मोम को तोड़ कर रख दे रहे हैं, इसमें आग लगा कर इसे पिघलाएंगे। तो गाइस, मोम को जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती को पूरा तोड़कर कढ़ाई में रख दिए हैं। अब इसमें आग लगाते हैं इसके नीचे और इसे मेल्ट करते हैं अच्छी तरह से। चलिए आग लगा कर इसे मेल्ट करते हैं अच्छी तरह। तो गाइस, उधर मेल्ट हो रहा है मोमबत्ती, तब तक इसे हम लोग अच्छी तरह से बांध लेते हैं, क्योंकि जो गिलास में हम लोग पानी रख कर और थोड़ा दूर से रखेंगे इसमें, ताकि जो इसमें आग लगे या ब्लास्ट करे तो देह तक नहीं पहुंच पाए, जो हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाए। चलिए इसे पहले बांध लेते हैं अच्छी तरह से। गाइस, अच्छी तरह से हो गया है इस तरह रखने के लिए। गाइस, अब इसमें हम लोग पानी रख दे रहे हैं। तो गाइज, आप लोगों ने देखा किस तरह, कितना खतरनाक जो पानी और मोम का मिश्रण हुआ, कितना ही खतरनाक हुआ था। चलो आगे साफ, आगे का वो बंडर हो गया था। तो हम लोग जो सोचे थे और जो सुने थे, वो दोनों ही सही था। इसलिए मोम और पानी का मिश्रण नहीं किया जाता है, जो लिक्विड में होता है मोम। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा नए नए एक्सपेरिमेंट के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।